उसपे काम इतना था कि मैं व्लॉग ही नहीं कर पाया। मेरी फैमिली के साथ आपको इंट्रोडक्शन करवाना है क्योंकि आप भी मेरी फैमिली को नहीं जानते। सो फाइनली मेरे घर में ना टोटल चार लोग हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आपने राइडिंग क्विट कर दी है, कि आपने छोड़ दिया राइडिंग करना। वेलकम टू माई ड्रोम विद ट्रैवल। मेरा नाम रोचद उपाध्याय है। जैसे कि अभी करीबन शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं डेली व्लॉग का जो सेकंड व्लॉग है ना वो अभी शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली लाइक क्या हुआ ना कि पूरा दिन ऐसे लाइक व्लॉग नहीं बना था जस्ट बिकॉज कि भाई मैं अपने डैड का बिजनेस भी संभालता हूँ। मेरे पापा का आरओ रिपेयरिंग का काम है तो मैं वो भी संभालता हूँ। सो वो सुबह और दोपहर वो काम था और बाद में थोड़ी देर मैं सो गया तो अभी बस उठा हूँ और देखा तो 6:30 बज के मुझे याद आया कि भाई मुझे डेली व्लॉग भी बनाना होता है। सो मुझे पता नहीं आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे वो भी बताना, जिससे मुझे और इम्प्रूव करने में पता चले। मेरी फैमिली के साथ आपको इंट्रोडक्शन करवाना है क्योंकि आप भी मेरी फैमिली को नहीं जानते। चल 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 बार बार मेरा कैमरा बचा, उसका जो बेल्ट था ना सीधा मेरे कैमरा पे टच हुआ और अच्छा गिरा नहीं। बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे सनसेट हो रहा है। हमारे टेस्ट की ना एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना शेड लगा है, तो जो सेकंड फ्लोर वाले थे ना उनके घर पे एक पानी आ रहा था तो उन्होंने ऐसे शेड लगा दिया। अभी जो सेकंड फ्लोर वाले वो यहाँ पे रहते नहीं है, कुछ लोग लाइक आउट ऑफ इंडिया चले गए, कुछ लोगों ने यहाँ पे रेंट पे दे दिया, पर शेड की वजह से कुछ शॉट यहाँ पे आते नहीं है। बस आई थिंक सो सनसेट का व्यू आएगा यहाँ पे, तो देखते हैं। पर अभी तो सुबह के साथ खेलते हैं पहले। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाऊं, सुबी रिक्शा इसको रिक्शा इतनी पसंद है ना कि हमारे सोसाइटी में कोई रिक्शा आ गया तो इसको पता चल जाता है और भागते भागते हमारे घर के बाहर जाता है। फाइनली यहाँ पर सनसेट हो गया, एक्चुअली क्लाउड्स के पीछे हो गया, पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं लाइक दिख रहा होगा कि नहीं, टाइम लेस में तो दिख ही गया होगा शायद से। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे सनसेट देखा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो चलो अभी जाते हैं। तो भी व्लॉग में ना एक ही दिक्कत होती है कि आपको ना कुछ रोज नया कॉन्टेंट ढूंढना पड़ता है। और अभी मेरी जैसे कि शुरुआत है तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि और क्या कॉन्टेंट बनाऊँ, क्योंकि अभी मैं घर पर अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता, राइडिंग कर रहा होता तो कुछ ना कुछ कॉन्टेंट मुझे मिल ही जाता। पर यही है कि भाई जैसे आपको पता है मैं सुबह अगर जल्दी उठ जाता तो कुछ ना कुछ मिल जाता कॉन्टेंट। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन तो करवा दूंगा कि मेरी फैमिली में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। देखा कि हमारे घर पे जो सब्जी बनी है वो गट्टे की सब्जी है। गट्टे की सब्जी जो राजस्थान से हो गया ना, हमको पता होगा कि गट्टे की सब्जी और क्या होता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में जैसलमेर में ट्राई की थी। और जब मैं वापस आया था मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे गट्टे की सब्जी खानी है, और मम्मी ने ऐसे यूट्यूब पर देख के सीख लिया था। तो मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ, जब भी राइडिंग करता हूँ ना, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मैं कुछ ना कुछ मम्मी को सजेस्ट करता हूँ। तो कहता ना कि फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप कितना स्लोली जा रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आप रुके नहीं हो। सो ये कोट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और जो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, मुझे बहुत से लोग पूछ रहे कि आपने राइडिंग क्विट कर दी है, कि आपने छोड़ दिया राइडिंग करना, अब आप एक्टिवा से ट्रैवल नहीं करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है, मेरा जो पैसन है मुझे मज़ा आता है राइडिंग करने में, और लाइक रोड पर अपना व्हीकल चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। दिक्कत बस एक ही है कि अभी है ना कुछ वजह से मेरी जो राइड है जो मैं नेक्स्ट राइड पर जाने वाला था वो करीबन 20 से 25 दिनों की थी, और उसी की वजह से जो राइड है ना थोड़ी सी कुछ दिक्कत की वजह से पोस्टपोन हो गई है।
सो मैंने सोचा कि यार एक तो क्या ना कि करीबन 40 डेज से मेरे वीडियोस लाइक यूट्यूब पे कोई वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक कुछ नया कंटेंट ट्राई करते हैं और डेली व्लॉगिंग ट्राई करते हैं। और अभी मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिला था कि मेरी फैमिली में कितने लोग हैं। सो फाइनली मेरे घर में ना टोटल 4 लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी, पापा और मेरी बहन, जिनमें से मेरी मम्मी और मेरे पापा के साथ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ क्योंकि मेरी बहन की जॉब होती है तो सो गई है। ये मेरी मम्मी है, ये एक हाउस वाइफ भी है और इनका ब्यूटी पार्लर भी है। सो आपने ना ज़्यादातर मेरे वीडियोस में स्टार्टिंग और एंडिंग में देखा होगा, जैसे कि जब मैं राइड्स पे जाता हूँ ना तो स्टार्टिंग में जो मुझे तिलक कर दिया ना, तो ये मेरी मम्मी है और काफ़ी इन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया है। तो ये मेरे पापा है, लाइक इनका है ना आरओ का बिजनेस है, आरओ रिपेयरिंग का, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं सुबह उसमें जाता हूँ, दोपहर को भी काम होता है और बाद में मैं अपना लाइक यूट्यूब का करता हूँ। 15-20 दिन मैं इनका थोड़ा बिजनेस संभाल लेता हूँ और 15-20 दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं सही बताऊँ तो लाइक जब भी मैं राइडिंग पे भी होता हूँ ना तो बैक सपोर्ट, मतलब कहाँ पे रुकना है, कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ कहाँ पे अच्छा रोड आएगा, सब मतलब पूरा जो होता है ना मेरे पापा लाइक हैंडल करते हैं और ये मुझे हमेशा हिम्मत देते रहते हैं। लाइक कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो मैं अपने मम्मी से ज़्यादा पापा के साथ शेयर करता हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है ना मैं पापा के साथ शेयर करता हूँ कि पापा राइड के वक्त ये दिक्कत हुई है, ये प्रॉब्लम हुई है, सो कुछ ना कुछ पापा ना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो बस ये मेरी एक छोटी फैमिली थी, बहन भी है जैसे कि बताया, पर उसे कोई और वीडियो में लूँगा क्योंकि अभी वो सो गई है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मेरा वीडियो थोड़ा सा छोटा है, मतलब मैं ज़्यादातर 10-15 मिनट की वीडियो रखता हूँ, पर आज जो ब्लॉग था मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया था, पर मेरा जो मेन मोटिव था वो मेरे फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन करवाना था, उनके बारे में बताना था जो मैंने बता दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बिना वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया अभी भी बता रहा हूँ, और कुछ भी दिक्कत हो रही है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि ये दिक्कत हो रही है, ये चेंजेस करो, ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं इम्प्रूव करूँगा, अगर अच्छा लगा तो भी बताना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले।